नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लाइव क्लास को बहुत ज़्यादा प्रेज करा है, बहुत अच्छा मेरे को व्यूज़ मिले हैं इसमें, आपने शेयर भी करा है कई लोगों ने इसको, बहुत थैंक यू। आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आपको रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जो लोग उसको बना सकते हैं। इसके लिए हम एक तो बनाएंगे धनिया की पंजीरी बनाएंगे, जो बहुत ज़रूरी होती है भगवान कृष्ण के भोग के लिए। मंदिर में तो मिलती है बट लोग इसको घरों में नहीं बनाते हैं, तो इस बार प्लीज़ आप उसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मस्ट पंजीरी होती है धनिया की। और सेकंड मैं आपको एक पंचामृत बनाना बताऊँगी, वो ज़रूर बनाइएगा, आप लोग बनाते भी होंगे पर जिस तरीके से मैं बताऊंगी आप वैसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और एक मैं आपको महाराष्ट्र की डिश बनाऊंगी जन्माष्टमी के लिए, जो कि पोहा की रेसिपी है, पोहा विद कर्ड, इसको गोपाल कला बोलते हैं वहाँ पर। तो ये 3 रेसिपीज़ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको भगवान कृष्ण के भोग के लिए पंचामृत बनाना बता रही हूँ, जिससे कि आप स्नान भी करा सकते हैं पहले, फिर आप उसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ पंचामृत है, तो ऑब्वियस है कि 5 चीज़ें हमें चाहिए हैं। एक मैंने लिया है यहाँ 1/2 कप दही लिया है, और मैंने 1/2 कप ही यहाँ दूध लिया है, ये कच्चा दूध है मेरा, इसमें कच्चा दूध ही यूज़ करते हैं, और हो सके तो आप गाय का दूध इस्तेमाल करिएगा। गंगा जल है, गाय का घी लिया है मैंने, कुछ बादाम कटे हुए हैं, शुगर है मेरे पास, और ये मेरे पास कुछ बारीक नारियल कटा हुआ है, और मैंने इस मखानों को रोस्ट कर लिया है और इसको टुकड़ों में काट लिया है, और शहद लेंगे हम। सबसे पहले मैं एक बोल में दही डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अच्छे से मिक्स करिएगा, हेलो आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं? अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे हाय हेलो या स्माइली लिखकर भेजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कच्चा दूध डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसमें अब मैं शुगर डाल रही हूँ, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर को हमें मेल्ट होने तक अच्छे से आप मिक्स करेंगे। आज मैं आपको 2 जगह लाइव दे रही हूँ, एक इंस्टाग्राम पे दे रही हूँ और एक फेसबुक पर दे रही हूँ। जो लोग फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, और मैंने अपना चैनल यूट्यूब चैनल लिंक भी शेयर किया हुआ है, आप मेरी रेसिपीज़ उसमें देख सकते हैं। शुगर हमारी मेल्ट हो गई है, अब मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ, चौड़ में इसमें नारियल ऐड कर रही हूँ, हम इसमें मखाने ऐड कर रहे हैं, इसमें हम घी डालेंगे, ये घी आप गाय का लेंगे क्योंकि इसमें गाय का घी यूज करते हैं, 1 टीस्पून। इसमें मैं गंगा जल ऐड कर रही हूँ, और इसमें हम शहद ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून।
कोई भी ब्रांड का शहद यूज कर सकते हैं। ये हमारा पंचामृत रेडी है और सबसे इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बिना भगवान कृष्ण का भोग नहीं लग सकता है, ये भी आप सबको मालूम होगा। आप कमेंट में बताएंगे क्या चीज़ मेरे को डालना इसमें रह गया है, बताइए तभी मैं इसमें ऐड करूँगी। भगवान कृष्ण का भोग इसके बिना नहीं लग सकता है। तुलसी का पत्ता, बिना तुलसी के कोई भी भोग भगवान कृष्ण को नहीं अर्पित होता है, इसलिए ये ज़रूर आप इसमें ऐड करिएगा। ये हमारा पंचामृत रेडी है, आप इसको ज़रूर इस बार जन्माष्टमी पर बनाइएगा। शशांक बोल रहा है थोड़ा ज़्यादा बना लो। ठीक है, अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप इसके लिए कॉपी पेन ले सकते हैं ताकि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरा वीडियो जो रहेगा इसको आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। मैंने कुछ मखाने लिए हैं, इनको हाफ 1/4 में कट कर लिया है। हाफ कप मैंने धनिया लिया है, ये नॉर्मल धनिया है जो हम अपने घर में मसाला में यूज़ करते हैं। कुछ मैंने चॉप बादाम लिए हैं, किशमिश है, तुलसी पत्ता है और ये मैंने बूरा लिया है और मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है और कुछ नारियल है, नारियल का बुरादा है और ये मेरे पास कुछ कटे नारियल गोला है। सर्विंग बाउल इसमें इंटरप्शन, लाइट चली गई है तो हम इसको गैस पे बनाते हैं। मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। घी हमारा गरम होगा, इसमें मैं धनिया डालूंगी। इसको आपने लो फ्लेम पर हमें भूनना है धनिया को। इसमें आपको अरोमा आएगा, तब तक हमें इसको भूनना है धनिया को।
देखिए हमारा धनिया भुन गया है। अब मैं इसको एक बोल पे ट्रांसफर कर रही हूँ। अब मैं इसी पैन में थोड़ा सा घी डालूंगी, 1 टेबल स्पून। एक पैन लिया है, उसमें घी डाला है, उसमें मैं अपने कटे हुए बादाम डाल रही हूँ और जो ये मैंने मखाने थे इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे हम इसमें। मीडियम आंच पे ही करिएगा। इसमें बाद में इसमें गोला डाल रही हूँ, नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सब लोग आपको क्लियरली दिख रहा है? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये हमारी सारी चीजें रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इसको बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। तुलसी पत्ता ऐड करेंगे इसमें हम। और इसको हम मिक्स करेंगे और जो ये हमारा बूरा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं हाफ हमारा धनिया था तो हाफ ही हम इसमें बूरा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा धनिया पंजीरी बनके रेडी है। ये बहुत मस्त पंजीरी होती है जन्माष्टमी पर। सब लोग घरों में आटे की पंजीरी बनाते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। इस बार आप सब जरूर बनाइएगा इसको कृष्ण भोग के लिए। अब मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ बोल में। आपको लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है? कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये धनिया पंजीरी बनके रेडी है। अब मैं आपको जो मेरी लास्ट रेसिपी है वो है हमारी कर्ड पोहा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे पोहा लेंगे हम। ये हाफ कप पोहा लिया है मैंने, हाफ कप ही कर्ड लिया है मैंने। हरी मिर्च है एक बारीक कटी हुई और मेरे पास मूंगफली है, कच्ची मूंगफली है मेरे पास अभी। राई लेंगे और सॉल्ट लेंगे। ये पोहा को मुझे सोक करना है। पोहा को हम अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भिगोएंगे।
जिससे कि ये पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। आप लोग सोच रही हैं कि ये वाली डिश हम व्रत में नहीं खा सकते हैं, बट महाराष्ट्र में ये गोपाल कला के नाम से है, इसको वो लोग भोग में रखते हैं भगवान कृष्ण के लिए, तो आप इसको आफ्टर व्रत खा सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सोक करेंगे। इसको मैं ड्रेन कर लूंगी। ये हमारा पोहा जब तक ड्रेन हो रहा है, उसमें 1 टीस्पून घी डालूंगी। प्रसाद बना रहे हैं तो हम घी ही इस्तेमाल करेंगे। घी हमारा गरम होता है तो मैं इसमें मूंगफली डालूंगी। मूंगफली को आपको भूनना है। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मुझे स्माइली करके भेजिए। भगवान कृष्ण का भोग है तो जय श्री कृष्णा तो लिखना बनता है सबको, नहीं तो राधे राधे ही बोल दीजिए। फोंडेंट केक की लाइव क्लास लेकर आ रही हूँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फोंडेंट केक अगर आप लोगों को सीखना है तो ये हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। मैं बोल पे दही डालूंगी पहले। दही को आपने अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से बीट करिएगा दही को। इसमें मैं जो हमारा ये देखिए हमारा पोहा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। अब इसका भगा रेडी करते हैं हम। एक पैन में घी है मेरे पास, घी गरम होता है तो इसमें मैं 1 टीस्पून राई ऐड कर रही हूँ। वन
टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ, ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, ये 1 ग्रीन चिली है, आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। ये हमारा फ्राई हो गया है हरी मिर्च, और हमारा जीरा और राई क्रैकल हो गया है। ये गैस ऑफ करके इसको मैं अपने बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। और इसमें मैं जो मूंगफली थी हमारी उसको डाल रही हूँ, और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है बताइए वो क्या है? पता है आप लोगों को लास्ट इंग्रेडिएंट क्या रह गया इसमें मिक्स करना? तुलसी पत्ता। ये मेरा गोपाल कला बनके रेडी है, इसको भी मैं बोल में ट्रांसफर करती हूँ। ये हमारी आज की लाइव क्लास पूरी हो गई है, जो कि है 1 इज हमारा पंचामृत, 2 इज हमारा धनिया की पंचीरी, एंड 3 इज मेरा महाराष्ट्र की डिश है गोपाल कला। आप इस रेसिपी को, तीनों रेसिपी को इस जन्माष्टमी पर ज़रूर ट्राई करिएगा, भगवान कृष्ण का भोग लगाइएगा। और आपको अगर ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को फोंडेंट केक की क्लास लेनी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके लिए फोंडेंट केक लेकर आऊँगी, जो आपको लाइव क्लास दूँगी उसकी। जय श्री कृष्णा, थैंक यू, आपने मेरी क्लास, हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस, जन्माष्टमी आप सबको, भगवान कृष्ण आप सबके घर में कृपा बरसा।